Now, today we are going to study in chapter Atoms and Molecules how to write down the chemical formula. So, we have to keep in mind these certain rules to write down the chemical formula. Now, the first rule is the valency or charges present on ion should be known to you, which I have told you in the previous video, that for example Na plus, Mg2 plus, Al3 plus, ये सब आपको याद हो जाना चाहिए. नहीं याद हो तो एटॉमिक नंबर के साथ सिंबल याद करिए, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आप वैलेंसी निकाल सकते हैं. एसिड याद हो तो एसिड से आप उसके पॉलीटॉमिक आयंस के चार्जेस निकाल सकते हैं. हमेशा पहले पॉजिटिवली चार्ज आयंस को लिखा जाता है, उसके बाद नेगेटिव चार्ज आयंस को लिखा जाता है. इफ़ मोर देन वन एटम इज़ प्रेजेंट इन एन आयन, दे आर कॉल्ड एज पॉलीएटॉमिक आयन. एंड इन द फॉर्मूला इफ दे आर मोर देन वन, देन द कंप्लीट आयन शुड बी रिटन इन द ब्रैकेट. आई विल शो यू इन द एग्जाम्पल वाइल विल डूइंग द प्रैक्टिस फॉर राइटिंग द फॉर्मूला. Metals always have positive charge, so written on the left hand side, and followed by the non-metals which has negative charge on the right hand side. Compounds are neutral, मतलब कि positive charge बराबर negative charge होगा. अगर आप लिख रहे हैं तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि आपने charges गलत लगाए हैं. इसका मतलब खुद ही समझ में आ जाएगा कि हाँ, इसके पे दो चार्ज है तो इस पर एक चार्ज, इसका मतलब मेरा formula गलत है. चार्जेस जो हैं दोनों पे बराबर ही होंगे. नाउ वी विल प्रैक्टिस सम ऑफ द फॉर्मूलास. नाउ फर्स्ट इज दैट इज सोडियम क्लोराइड. सबसे पहले हम लोग इसको ही पढ़ते हैं, हर जगह इनका नाम चला आता है, चाहे खाने में हो और चाहे पढ़ने में. अब इनको लिखने के लिए हमें, हम ये इस्तेमाल करते हैं क्रिस क्रॉस मेथड. क्रिस क्रॉस मेथड. सोडियम का सिंबल सबसे पहला हम क्या लिखेंगे, सिंबल लिखेंगे. सोडियम का सिंबल होता है Na और इस पे चार्ज होता है प्लस. क्लोरीन पे चार्ज होता है माइनस वन. तो अब साइन, वैलेंसी में साइन एक ही देखते हैं हम लोग, खाली हमको जो है पता होना चाहिए, लेकिन यहाँ लिखते जरूर है नेगेटिव. इसका चार्ज इसके नीचे लिखा जाता है और इसका चार्ज इसके नीचे, इसीलिए इसको कहते हैं क्रिस क्रॉस मेथड. इसका मतलब क्या हो गया कि Na पे भी वन आ गया और Cl पे भी वन आ गया. प्लस और माइनस वन लिखने से आपको एक ये भी फ़ायदा होगा कि जो है पॉजिटिव चार्ज वाले हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में लिखे जाते हैं और नेगेटिव साइड वाले जो है, इसका मतलब आपका फॉर्मूला हो गया NaCl. अभी हम आपको एग्जांपल और लिख के बताते हैं. मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg और इस पे चार्ज होता है 2 प्लस. क्लोराइड Cl, इस पे चार्ज होता है माइनस. तो क्लोराइड का सिंबल जाएगा मैग्नीशियम के पास, सॉरी क्लोराइड का चार्ज जाएगा मैग्नीशियम के पास और मैग्नीशियम का चार्ज जाएगा क्लोराइड के पास. तो इसका मतलब हो गया आपका Mg 1 एंड Cl 2. तो फॉर्मूला फॉर मैग्नीशियम क्लोराइड इज MgCl2. इसी तरह से अगर हम लिखना चाहें मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg, चार्ज क्या हो गया इस पर 2 प्लस और ऑक्सीजन पे चार्ज होता है 2 माइनस. इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें
तो Mg2 O2 तो कट जाएगा, कटने के बाद ये आ जाएगा आपका MgO, Mg2O2 नहीं लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम लोग MgO। इसी तरह से आपका अगर हम लिखना चाहें मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, अब आपको यहाँ पर कार्बोनिक एसिड याद रखना पड़ेगा, इसमें कितने हाइड्रोजन थे। तो अब पहले मैग्नीशियम का जो है सिंबल होता है Mg और कार्बोनेट का सिंबल होता है CO3। मैग्नीशियम पे चार्ज होता है 2+ और कार्बोनेट पे चार्ज होता है 2-। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो आपका हो जाएगा Mg2CO3, कट जाएगा, फॉर्मूला आपका हो जाएगा MgCO3। इसी तरह से हम कैल्शियम कार्बोनेट के लिए भी कर सकते हैं। कैल्शियम, चलिए कार्बोनेट तो आप कर चुके, नाइट्रेट करते हैं। कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम की वैलेंसी सिंबल होता है Ca और चार्ज इस पे होता है 2+, नाइट्रेट पे चार्ज होता है -। तो अभी मैंने बताया था कि अगर एक से ज़्यादा हो तो उसको हम ब्रैकेट में डालते हैं। कैसे, देखिए कहाँ गया कर्सर, ये नाइट्रेट का जाएगा सीए के पास और सीए का जाएगा नाइट्रेट, तो फॉर्मूला आपका हो जाएगा सीए पे की है लेकिन NO3 पे क्या आ गया, 2 आ गया, और ये पॉली एटॉमिक आयन है इसलिए इसको हमको होल्ड ट्वाइस लिखना होगा। एक कॉमन मिस्टेक जो बच्चे करते हैं वो है कैल्शियम बाइकार्बोनेट। कैल्शियम बाइकार्बोनेट, तो कैल्शियम का सिंबल होता है 2+ और बाइकार्बोनेट का होता है एक सिंबल, तो ये हो जाएगा आपका, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो इट विल बी CaHCO3। इसमें बच्चे गलती करते हैं, आप इसको ध्यान रखिएगा। उसी तरह से नेक्स्ट हाइड्रोजन क्लोराइड, सिंबल ऑफ, यस GeN लेफ्ट, सिंबल ऑफ हाइड्रोजन H, चार्ज इज +1, क्लोराइड चार्ज इज -1, क्रॉस मल्टीप्लाई सो यू विल गेट द फॉर्मूला HCl। नाउ सेकेंड इज हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन +1 एंड सल्फर 2-, व्हेन यू विल क्रॉस मल्टीप्लाई देन यू विल गेट H2S। देन कम्स कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्रा
क्लोराइड. ना कार्बन हैज हियर प्लस फोर एंड Cl हैज माइनस वन. When we will cross multiply this, then we will get CCl4. While writing symbol, first letter should be capital and second letter should be small. Then you can take example some of other metals like zinc carbonate or zinc sulfate. Zinc carbonate you have done a lot, so zinc sulfate. A zinc sulfate charge plus 2, sulfate charge minus 2, so formula will cross multiply, you will get ZnSO4. While writing this, many of the students do the mistake, they write down the O small. No, it is capital, so please take care. Then comes ammonium sulfate. Ammonium sulfate. Now symbol for ammonium ion is NH4. And charge is plus. Then sulfate SO4 and charge is 2 minus. So cross multiply, again the second rule which you have written should will come in existence. So it will be NH4 whole twice, because it is a polyatomic ion, so we will write whole twice SO4. Magnesium phosphate, magnesium phosphate. Magnesium Mg charge 2 plus, phosphate charge 3 minus. Cross multiply, so it will give you, that is Mg3P2. Now you can write down, that is aluminium sulfate. Aluminium Al charge 3 plus, sulfate charge 2 minus, cross multiply, so you will get Al2SO4 whole thrice. Then potassium nitrate, potassium nitrate, potassium plus 1, nitrate cross multiply. So the formula will be KNO3, because both are one, so here no problem. Then comes sodium carbonate. Sodium carbonate, sodium plus 1, carbonate 2 minus, cross multiply, you will get Na2CO3.
देन जिंक वी हैव डन कॉपर. नाउ कॉपर कार्बोनेट दिस आई विल लाइक टू कॉपर द यू इफ यू राइट डाउन क्यूप्रस कार्बोनेट. सो हियर यू हैव टू कीप इन माइंड दैट क्यूप्रस कॉपर हैज़ वैलेंसी प्लस वन एंड कार्बोनेट हैज वैलेंसी टू माइनस. सो हियर द फॉर्मूला विल बी Cu2CO3. बट इफ इट इज क्यूप्रिक कार्बोनेट, क्यूप्रिक कार्बोनेट देन Cu हियर चार्ज इज टू प्लस एंड कार्बोनेट चार्ज इज टू माइनस. सो इट विल बी Cu CO3. सो क्रॉस मल्टीप्लाई नथिंग. सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट यू शुड नो द सिंबल एंड द चार्जेस प्रेजेंट ऑन देम. वन लास्ट आई विल लाइक टू टेल यू देन यू कैन टेक एग्जाम्पल्स डू प्रैक्टिस. इफ यू डू नॉट नो यू कैन आस्क मी ऑन माई पर्सनल व्हाट्सएप नंबर. फेरिक क्लोराइड सो इट इज Fe3+ एंड Cl-. क्रॉस मल्टीप्लाई सो यू विल गेट FeCl3. फेरस क्लोराइड Fe2+ Cl-1. सो इट विल बी क्रॉस मल्टीप्लाई सो यू विल गेट FeCl2. सो देर आर मेनी मोर एग्जाम्पल्स. टेक देम एंड अच्छा वन मोर आई विल लाइक दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड. Hydroxide I have not told you, so please I will like to tell you. Ammonium hydroxide. Ammonium hydroxide. Ammonium charge plus one. Hydroxide charge minus one. So cross multiply it. You will get NH4OH. Now if it is aluminium hydroxide, charge Al hydroxide, sorry, symbol Al, charge 3+, hydroxide minus. So cross multiply it. So we will get AlOH whole thrice. So in today's video we have studied about the rules for writing a chemical formula and different examples we have studied.